खुली इस्लाम की आंखें हुआ सारा जहां रोशन, खुली इस्लाम की आंखें हुआ सारा जहां रोशन। अरब के चांद सदके क्या ही कहना तेरी तलअत का, अरब के चांद सदके क्या ही कहना तेरी तलअत का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फ़ैज़ान इस्लाम के सिलसिले में एक मरतबा फिर आपको वेलकम मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद ये हमारा पहला सिलसिला है। जिस तरह आपने रमज़ानुल मुबारक में बरकतें हासिल की, मदनी चैनल के साथ आपने वक्त गुजारा, फिर इसी तरह ईद के दिनों में भी आपके लिए खुसूसी नशरियात पेश की गई। अब जो है वो ईद के बाद रमज़ान मुबारक गुजरने के बाद हम डेली जो रूटीन के हमारे सिलसिले हैं वो लेकर एक मरतबा फिर आपके बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें मदनी चैनल के साथ वाबस्तगी अता फ़रमाए और यहाँ पर जो इल्म दीन सीखने सिखाने का सिलसिला है उसमें शामिल रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज भी बड़ा ही प्यारा मौजू है और आज का हमारा मौजू ये है कि रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के बाद हमारे माशरे में क्या क्या तब्दीलियाँ हो जाती हैं। इसी तरह आम तौर पर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक गुज़र जाने के बाद उनका क्या अंदाज़ ज़िंदगी होता है और कुछ ऐसी अहम बातें कि जिनका ख़याल रखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा लाजिम है, ज़रूरी है। चूँकि रमज़ान तो गुज़र चुका, अब अगर किस्मत में हुआ तो 11 माह के बाद दोबारा इसकी ज़्यारत होगी, लेकिन अब हमें क्या करना है, रमज़ान हमें क्या पैगाम देकर चला गया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मुफ्ती साहब करम फरमा है, मुफ्ती साहब से सवालात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। अव्वल ता आखिर सिलसिले में शामिल होने की नीयत के साथ अच्छी अच्छी और भी नीयतें कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना हमें सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। दुरूद पाक की बड़ी ही बरकतें हैं, बड़ी ही फजीलतें हैं। क्या बात है उस शख्स की कि जो कसरत के साथ अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है। और इसकी एक फ़जीलत जो हमें बयान की गई वो ये है कि जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने का आदी होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल बुरुज क़यामत उसे अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। बड़ी ही सादत की बात है और हमारे पास शफाअत के अलावा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करम के अलावा और है भी क्या। इसी पर उम्मीद है, इसी पर ढारस है। तो जो शफाअत का मुतलाशी है, सवाली है, ये चाहता है कि कल वर्ज़ क़यामत मुझे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो, तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक का चूँकि जदवल ज़ाहिर तब्दील हो जाता है तो रमज़ान के बाद पहला सिलसिला है। मुफ्ती साहब, रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, बड़ा एक ख़ूबसूरत एक माहौल था, सहरी के मनाजिर, अफ्तार के मनाजिर, इसी तरह रोज़ा रखने, तरावी, बहुत सारी बरकतें इसकी हम पाते हैं। तिलावत कुरान जो है वो करना कसीर तादाद में बढ़ जाता है। वो लोग के जो सारा साल तिलावत नहीं करते, रमज़ान में भी तिलावत करते हैं। तो यूँ देखा जाए तो बहुत सारी बरकतें लेकर रमज़ान मुबारक हर साल तशरीफ़ लाता है, करम होता है। ये मैं पूछना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी बरकत वो क्या है, और इसी तरह क्या रमज़ान की बरकतें रमज़ान के बाद भी बाकी रहती हैं, और अगर बाकी रहती हैं तो माशरे के अंदर उसका असर हमें वैसा क्यों नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की जो सबसे बड़ी बरकत है वो तो खैर वही है जो हर नेक अमल की है, और वो है अल्लाह ताला की रज़ा। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो गई तो रमज़ान की सबसे बड़ी बरकत जो है वो हासिल हो गई। अब इसके साथ दूसरी बात ये है कि रमज़ान की बरकतें वो भी हैं कि जो ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई। मिसाल के तौर पे रमज़ान मुबारक की एक बरकत तो अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमाई, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पे रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए। तो तक़वा का नसीब होना ये रमज़ानुल मुबारक की वो बरकत है कि जो ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमा दी। ये रोज़ों का मकसद भी है, रमज़ान के रोज़ों का मकसद भी है और ये इसकी बरकत भी है। तो अब गोया यूँ समझ लें कि जिसको अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो गई, जिसे तकवा नसीब हो गया और जिसे तौबा की तौफीक मिल गई, उसे रमज़ानुल मुबारक की बरकतों का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। रज़ा इलाही मिल गई, फिर तो पूरा ही हिस्सा उसको मिल गया। लेकिन चूँकि रज़ा इलाही एक पोशीदा अमर है, हमें उसका मालूम नहीं है कि हमें हासिल हुई या नहीं। हमारा हुस्न ज़न होता है इबादत करके कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। लेकिन जो बकिया दो चीज़ें हैं जी, यानी तकवा का हुसूल और तौबा की तौफीक। तकवा का हुसूल का मतलब ये हुआ कि गुनाहों से वो बचना शुरू कर दे, और तौबा की तौफीक का भी तकरीबन इसी तरह का मतलब बन जाता है कि साबिका गुनाहों से तौबा है, आइंदा नेकियों पर अमल है, गुनाहों से बचना है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। तो जिसे ये दो मकसद हासिल हो गए, यानी तौबा की तौफीक मिल गई और तकवा की दौलत नसीब हो गई, वो इस बात का कवि हुस्न ज़न रख सकता है कि उसे अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल हो गई। तो गोया अल्लाह ताला की रज़ा एक हिडन चीज़ है, पोशीदा चीज़ है। लेकिन ये जो दो चीज़ें ये ऑब्वियस हैं कि नज़र आती हैं। तो ये जिसे दो ज़ाहरी चीज़ें नसीब हो गई, उसे गोया अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल हो गई। तो मेन बरकत जो है वो तो यही है, तकवा हासिल हो जाए, गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब हो जाए, माशाअल्लाह। अब ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद रमज़ानुल मुबारक की बरकतें बाकी रहती हैं या नहीं जी, इसका दारो मदार अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अच्छा, यानी अगर आप रखना चाहें तो रख लें, नहीं रखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेकी और गुनाह दोनों का इख्तियार दिया। अगर आप नेकियों पे साबित कदम रहते हैं, गुनाहों से बचने पर मुदावमत यानी हमेशगी करते हैं और गुनाहों से बचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, तो आप उसकी बरकतों को बाकी रखते हैं। सही। और अगर जो है वो आपका मामला बिल्कुल उलट हो जाता है, यानी किसी का मामला उलट हो जाता है कि रमज़ान के अंदर जितना वो मुत्तकी था, ज़ाहिरन नेक बन गया था, रमज़ान के बाद दोबारा अपनी पुरानी डिगर के ऊपर आ जाए या पहले से भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल का शिकार हो जाए, तो ये उसने खुद अपने हाथों रमज़ान की बरकतों को ज़ाया कर दिया। अब ये बात कि रमज़ान की बरकतें जो हैं ये ज़ाया क्यों कर हो जाती हैं जी, और ये हमारा इस मरतबा का नहीं पूरी ज़िंदगी का मुशाहदा है। मज़ा फरमाया। और हमारे आबा अजदाद का भी अपना अपना पूरी ज़िंदगी का मुशाहदा, और शायद उनसे पहले वालों का भी अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी का मुशाहदा हो कि हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। लेकिन हमारा तकरीबन वही मामूल होता है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो नमाज़ों की कसरत भी है, तिलावत कुरान भी है, ज़िक्रुल्लाह भी है, दुरूद पाक भी है, तस्बीहात भी हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना भी है, दूसरों का ख्याल रखने का भी थोड़ा बहुत जहन बन जाता है। लेकिन जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो वो मुबारक होने की बजाय अक्सरियत के हक़ में वो नामुबारक साबित हो जाता है कि वो जो बरकतों वाला था वो तो अदम बरकत के अंदर वो तब्दील हो जाता है। तो अब उसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी वजूहात जो है ना वो भी बड़ी वाज़ेह सी हैं। अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो हम वाकई समझ जाएंगे कि यार यही वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमारी रमज़ान की बरकतें बादे रमज़ान बाकी नहीं रहती। सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक को इबादत का सीज़न समझ लिया है। रमज़ानुल मुबारक को इबादत का सीज़न समझ लिया। रमज़ान इबादत का सीज़न नहीं है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इबादत का सीज़न है। सीज़न का मतलब ये होता है कि उस मौके उस ड्यूरेशन के अंदर वो काम करना है, उस दौरानिये के अंदर वो काम करना है। स्पेशली उस दौरानिये में हमने वो काम करना। रमज़ान इसलिए तो नहीं आया कि रमज़ान में ही आप इबादत करें। तो ये सिर्फ इबादत का सीज़न नहीं है, ये ज़्यादा इबादत का सीज़न है। तो अब जब ज़्यादा इबादत की जगह इसे महज इबादत का सीज़न समझ लिया, तो अब नतीजा ये हुआ कि जब रमज़ान गुजरा तो इबादत भी ख़त्म। सही। जबकि होना ये चाहिए था कि चलें, ये तो हो जाता कि आप 30 दिन 29 दिन मुसलसल रोज़े रखते हैं, आप 20-20 रकात इजाफी तरावी की सूरत में पढ़ते हैं, ये आपकी सीजनल इबादत थी। ठीक है। और जब महीना गुजर गया तो अब चलें, आप ऑप्शन पे आ गए, आपकी मर्ज़ी है आप रोज़े रखें ना रखें। तो आपकी जो वो इजाफी चीज़ें थी वो आपकी मर्ज़ी पे आ जाती, यानी बेसिक मजबूत है वो बाकी रहनी चाहिए। लेकिन ये नहीं था कि ये इबादत का सीज़न है और बस ये गया तो इबादत भी गई, क्योंकि इबादत तो मकसद है ज़िंदगी। इबादत तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत तो पूरी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने तो मुतलक इंसानों को मुखातब करके फरमाया, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब की इबादत करो। या फरमाया फ़अबुदिल्लाह, तो अल्लाह की इबादत कर। तो यूँ जो आयात मुबारक इबादत के बारे में है वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए हैं, उसके अंदर यानी नमाज़ों का इस्तिस्ना जो है वो तो एक दिन का भी नहीं। सही, जिस पर नमाज फ़र्ज़ है सिवाय औरतों के चंद अहकाम के, बकिया जो नमाज का हुक्म है बालिग के लिए वो तो पूरी ज़िंदगी, उसके अंदर तो कोई इस्तिस्ना नहीं है। तो अब अगर नमाज़ों को भी कोई सीज़नल समझ ले कि रमज़ान के अंदर तो 5 नमाज़ें पढ़ेंगे उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, तो लाज़मी बात है वो गलती के ऊपर। तो यूँ एक बड़ी वजह यह है कि रमज़ान और मुबारक को एक इवेंट के तौर पे मनाया जाता है, हाँ वो 29 दिन है 30 दिन है, लेकिन वो एक इवेंट है इबादत का, जबकि वो सिर्फ इबादत का सीज़न या इवेंट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा इबादत का सीज़न था। सही, लिहाजा जो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर ऑप्शनल है, आप जो मर्जी करें, लेकिन जो महज इबादत थी वो तो पूरा साल बाकी है। तो एक तो बुनियादी जो है ना वो जहनों के ऊपर या अमली तौर पर चूँकि ये किया जाए कॉन्सेप्ट जो है ये जो हमारा ट्रेंड सा एक बन गया, हमारा एक सोच जो है वो बन गई है, तो इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि रमज़ान मुबारक का जो मकसद है उस मकसद को सामने नहीं रखा जाता। अब मकसद को सामने ना रख कर जब काम किया जाए तो वो काम सक्सेसफुल हो ये बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में बैठ गए, टैक्सी में बैठ, कहाँ जाना ये तो मुझे नहीं पता। सही, बैठ गए। अब गाड़ी वाले कहते हैं तुम चलाते रहो जहाँ मर्जी ले जाओ, तो जब मंजिल नहीं होगी तो फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप कोई विषय हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब रमज़ान मुबारक का महीना आया, रोज़े रखना शुरू किए, तो अब इसके मकसद के ऊपर नज़र होती। इसका मकसद चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो जाए, अल्लाह ताला का डर मिल जाए, गुनाहों से तुम बचना शुरू हो जाओ, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। अब अगर हर दिन ये मकसद जहनों के अंदर ताज़ा होता और इसे बार बार अपने सामने रखा जाता तो एक 30 दिन 29 दिन का ड्यूरेशन एक बड़ा अच्छा खासा अरसा है जो किसी बात को अपने जहन में पुख्ता करने के लिए काफ़ी होता है। यानी आप ये देख लें, नफ्सियात के अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशंस होती हैं। इंस्पिरेशंस क्या होती हैं कि एक आदमी मिसाल के तौर पे परेशानी का शिकार है तो उसे एक जुमला रटा दिया जाता है, एक जुमला उसे रटा दिया जाता है कि तुमने इसे रोज़ाना जो है ना वो आँखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेके इसे 5 मरतबा दोहराना है। ठीक है, ठीक। अब वो मिसाल के तौर पे अगर उसकी जो है वो उसके क्या नाम है, वो गरीब आदमी है तो उसको इंस्पिरेशन ये होती है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं रोज़ाना 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं रोज़ाना 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। ये क्या होता है कि ये उसके जो उसका सब कॉन्शियस होता है, यानी एक कॉन्शियस है शऊर है, एक सब कॉन्शियस है लाशऊर है। एक बात इतनी मरतबा दोहरानी होती है कि वो उसके लाशऊर के अंदर जड़ पकड़ जाए। सही, जब लाशऊर में एक शय चली जाती है तो फिर आदमी के अफ़ाल उसके मुताबिक होते हैं, उसके मुताबिक होते हैं। अच्छा, अब इसी की हमारी इस्लामी सूरत आप देख लें, जैसे अमीर अहले सुन्नत ने हमें एक इंस्पिरेशन दी है, वो जो सुबह की है ना कि मुझे अपने तमाम आदा का कुफले मदीना जो है वो सारा लगाना है, दिन भर की जाने वाली नीयत, ठीक है ना, दिन भर की जाने वाली नीयत, तो वो जो आईने के ऊपर लगा के रोज़ाना करते हैं सुबह सुबह, ये क्या है, ये इंस्पिरेशन है। ये इंस्पिरेशन क्या है कि आदमी ने और कुछ करना हो ना हो उसने आईना ज़रूर देखना होता है सुबह ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तैयार होना होता है। अब आदमी जब आईना देखता है और उसके ऊपर ये अपनी नीयत लिखी हुई देखता है, अपना मदनी इरादा जब वो देखता है, ये क्या है, ये बेसिकली नफ्सियात की एक इस्तिलाह है। हमारे यानी अमीर अहले सुन्नत ने किया तो नफ्सियात के तौर पे नहीं किया, वो तो एक अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला की तौफीक से जो एक इल्म है उसके ज़रिए किया, या इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इंस्पिरेशंस लिखी हुई हैं, ये उनकी रोशनी के अंदर है, या और बुजुर्गान दीन के वाक़यात मिलते, साहल बिन अब्दुल्ला तुस्सरी रज़ी अल्लाह ताला का, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो इस तरह की ये जो जुमले हैं जो सूफिया किराम से हमें मिलते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, ये इंस्पिरेशंस। अब इंस्पिरेशन जब होती है लाशऊर के अंदर चली जाती है तो उसके असरात फिर आदमी के अमल में ज़ाहिर होते हैं, फिर उसके अंदर वो जोश, जज्बा, हिम्मत, वलवला, वो सारी चीज़ें पैदा होती हैं। रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो बेसिकली ये कि लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा रखा ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, रोज़ा रखा तुमने ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुमने रोज़ा रखा ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये इंस्पिरेशन होती है। ये 29-30 दिन बहुत होते हैं किसी भी इंस्पिरेशन को अपने अंदर जो है ना वो उसके यानी इंकलकेट करने के लिए, नक्श करने के लिए काफ़ी होता है। तो अब जब एक आदमी पूरा महीना इस मकसद को दोहराता है, इस मकसद को अपने जहन में रखता है, तो नतीजा ये होता है कि रमज़ान मुबारक के बाद फिर वो लाशऊर के अंदर वो चीज़ चली जाती है। सही, सही। और फिर वो उसको ना भी दोहराए तब भी उसके अफ़ाल उसी के मुताबिक ही जो है वो हो रहे होते हैं। तो अब ये मकसद जो है, ये जो इंस्पिरेशन स्टाइल जो है, अब ये देख लें कि ये कहाँ किया जाता है। हमारे रोज़ा रखने वाले कहाँ इस बात को सोचते हैं कि रमज़ान क्यों आया, रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, ये हम भूखा प्यासा सारा दिन क्यों रहते हैं। तो ये चूँकि मकसद पेश नज़र नहीं है, लिहाजा फिर जब रमज़ान गुजरता है और वो जो सबक याद करना था वो किया ही नहीं है, तो लिहाजा फिर सबक यहाँ सबक ना याद करने में छुट्टी हो जाती है, तो फिर रमज़ान के बाद वो सारे का सारा जो है ना वो भूल भुलैया का शिकार हो जाता है। मुफ्ती साहब, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने कॉन्सेप्ट बयान किया ना कि हमारा जहन इतना पुख्ता हो जाए रमज़ान मुबारक के दौरान कि वो चीज़ हमारे लाशऊर में कंदा हो जाए और बिल्कुल हम उसको पुख्तगी के साथ करते जाएँ, लेकिन शायद एक वजह आप बयान फरमाएंगे कि एक हैबिट के तौर पर हम इसको करते हैं तो फिर थकावट से हो जाती है। यानी आखिरी दिनों में तो यह हाल हो जाता है बाद लोगों का कि वो गोया के एक तरह से इंतज़ार कर रहे, हालांकि इबादत कर रहे होते हैं रमज़ान के अंदर, तरावी भी पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस वो एक तरह से इंतज़ार सा होता है। जैसे ही ईद का चाँद नज़र आया तो वो पुख्तगी जहन में नहीं है, तो एक थकावट सी थी, एक एक्स्ट्रा काम हमने लिया हुआ था, अब जैसे वो रमज़ान शरीफ गुजरा तो अब जो वो अपनी पुरानी आदत पर बाकी रह गए, और शायद एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस तरह से हैबिचुअल हो जाती है। तो इसका क्या हल कि वो एक थकावट और एक बर्डन और एक इस तरह एक्स्ट्रा की चीज़ कर रहे होते हैं, नेकी के नाम पर ही कर रहे होते हैं, नीयत भी अच्छी होती है, लेकिन वो हमारी आदत नहीं बन पाती। देखिए होता क्या है, रोज़ा है मुशक्क़त का नाम, इसमें तो कोई शक नहीं है, और रोज़ा रखना मुश्किल काम है। अब जब एक आदमी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त कर चुका होता है, अब रमज़ान के बाद अगर ईद ना हो, डायरेक्टली एक नॉर्मल रूटीन के दिन शुरू हो जाएं जी, तो फिर तो नॉर्मल थे, लेकिन अल्लाह ताला ने दरमियान में एक बैरियर रखा, ठीक है, कि चूँकि मुशक्क़तें उठाई हैं रोज़े की, लिहाजा अब खुशी मनाओ, सही, अब एक उसको वजूबी तौर पे हुक्म दे दिया कि ईद पढ़ो जी, और ईद का पढ़ना एक बाकायदा एक यानी एक समा होता है, एक अहतमाम होता है, एक मुसलमानों का वहाँ पर इज्तिमा होता है, वो है। अच्छा, फिर उस पर लाजिम कर दिया कि तुमने आज रोज़ा नहीं रखना, आज खाओ, आज अल्लाह ताला की तरफ से दावत का दिन है, सही। तो मुशक्क़तों के बाद अल्लाह ताला ने एक दिन जो है वो ऐसा दिया कि जिसमें आदमी को रिलीफ मिले जी, और वो वाकई जो है ना वो समझ ले कि यार अब जो है ना मैं उस अपना क्या नाम है उन मुशक्क़तों से अब मैं आज़ाद हो गया हूँ जो अल्लाह ताला ने बतौर फ़र्ज़ मेरे ऊपर लाजिम की थी, और अब मैं एक रिलीफ के अंदर हूँ। अब एक उसको दरमियान में एक ऐसा दिन दे दिया कि जिससे वो फ्रेशनेस महसूस करे, और वो जो पिछले दिनों की उसके ऊपर एक जो है वो थकावट थी और एक उसके ऊपर एक एहसास था, वो एहसास उसका ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद जब आदमी जैसे मिसाल आप बहुत ज़्यादा भागें जी, बहुत ज़्यादा भागने के बाद जो है आपको कहा जाए नहीं भागते ही रहो, तो लाज़मी बात आप कहेंगे यार मैं तो टूट जाऊँगा, लेकिन आपको कहा जाए यार आप बैठो, आपको जूस दिया जाए, आप पिए जनाब, आपकी खातिर मदारत की जाए, आपको फ्रेश होने का एक पूरा माहौल दिया जाए, आप जनाब मिले, बातें बातें करें, आपको सांस आ गया, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, उसके बाद कहे अब चलो, अब आपके लिए चलना आसान हो। तो ईद का दिन जो है वो भी इसी अंदाज के अंदर है कि एक मुशक्क़त के बाद जो है वो होता है कि सांस लो अब, लेकिन उस बैठ ही जाते हैं ना, हाँ, अब ये था एक पॉज के लिए, बेहिम्मती है ना, लेकिन अब उसके बाद जो है फिर वो बैठ ही जाते हैं, फिर उसी में अब वो एक बेहिम्मती होती है। तो अब बेहिम्मती का इलाज तो हिम्मत ही है, बेहिम्मती का इलाज हिम्मत है। वो चीज़ कि जिसका ताल्लुक सिर्फ आदमी के दिमाग के साथ है, उसका इलाज आदमी की हिम्मत और कुव्वत इरादी के अंदर ही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते, नमाज पढ़ते तो बस ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी ने कैद कर दी है, लेकिन चंद दिन नमाज की आदत डाले तो नमाज की आदत पुख्ता हो जाती है। तो ये तो हमारे एक नफ्स की चाल होती है। बच्चे के लिए स्कूल जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको जबरन बेचती हैं, जैसे तैसे बेचते हैं उसको, बाद में उसको स्कूल जाने का इतना शौक हो जाता है कि वो छुट्टी वाले दिन बैठ के रो रहा होता है मैंने जाना ही जाना। सही, तो नफ्स को थोड़ा सा आदी बनाना पड़ता है, जब उसको मुशक्क़त में डालते हैं फिर उसको आदत हो जाती है। अब ये देखें जैसे 29वां रोज़ा या 30वां रोज़ा हो, आप जब तरावी पढ़ते हैं तो आप 20 रकत पढ़ते हैं, आप थक जाते हैं। अगले दिन जब यकदम ईशा की सिर्फ थोड़ी सी रकतें पढ़ते हैं और वो 20 उसमें से निकल जाती हैं, तो आपको ईशा इतनी हल्की लगती हो, ईशा इतनी छोटी सी है। तो ये क्या है कि ये जो रिलीफ है ये खुद आदमी थोड़ा सा उसका एहसास करे तो उसको मज़ा आता है, बल्कि उसको ईशा पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि आज तरावी नहीं है, आज मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा अपने आप को खुद भी रिलैक्सेशन की तरफ लाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर ख़ुद भी हम अपने आप को बाउंड करेंगे और उस दिन भी बहुत ज़्यादा अपने आप को घुटन का शिकार रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर वो दिल जो है ना वो बाद वक़्त मर जाते हैं, सही, दिल मुर्दा हो जाते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया, जैसे हदीस मुबारक के अंदर है कि नमाज तब तक पढ़ो जब तक नशात बाकी है। यानी एक आदमी नफल पढ़े जा रहा, उसका दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने को, फिर भी पढ़े जा रहा है, तो उसको मना किया गया, सही, कि नहीं, यूँ नहीं, नशाद बाकी रहे, खुशी के साथ अदा करो। इसी तरह तिलावत कुरान के ऊपर बुजुर्गों ने फरमाया कि तिलावत कुरान तब तक करो जब तक उकता ना जाओ, ये ना माज़अल्लाह कुरान पढ़ने से उकताए बैठे हो। सही, ठीक है। तो इस तरह अपनी तबीयत को फ्रेशनेस देना, अपनी तबीयत को फरहत देना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इल्म दिन पढ़ने के अंदर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी है कि इल्म पढ़ो तो अपने आप को थोड़ा सा वक्फ़ा भी दिया करो, ठीक है, वक्फ़ा भी दिया करो वरना तुम्हारे दिल मर जाएंगे। यानी दिल इतना बोर हो जाएगा एक शय को पढ़ने से कि फिर दोबारा उसकी तरफ आने को दिल नहीं करेगा। तो लिहाजा थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशनेस की तरफ भी रखा जाए, लेकिन वो है कि वो फ्रेशनेस जो है वो इजाफी मामलात के अंदर होती है। यानी ये नहीं होता कि आप नमाजों से फ्री हो जाएं, कि फ़र्द नमाज से फ्री हो गया फ्रेश हो रहा हूँ, ऐसी फ्रेशनेस की इजाज़त नहीं है जो शरीयत की हदूद के अंदर है। तो मिलना मिलाना, आना जाना, खाना पीना, मीठी चीज़ खाना और जो है वो खुशी मनाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें शरीयत ने रमज़ान के साथ ही रखी हुई हैं। तो ये जो है वो असबाब हैं। इसी तरह एक और सबब भी हो सकता है कि बेसिकली रमज़ान की पूरी बरकतें मिलती तब हैं कि जब रोज़े उसके आदाब के साथ रखे जाएँ। सही। हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत सारी इबादतें करते हैं और उस इबादतों के जुमला फवाद जो बयान किए जाते हैं उन सब की तवक्को रखते हैं, लेकिन वो सारी बरकतें और वो सारी रहमतें और वो सारे फ़वाद वो उस सूरत में हैं कि जब उसे कमा हक़ किया जाए, जैसे उसको करने का हक़ था वैसे किया जाए। अब मिसाल के तौर पे एक दवाई के बारे में कहा गया कि आपने इसको 3 टाइम इस्तेमाल करना है और 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है। हमने कहा ठीक है, अब 6 दिन दवाई ना खाएं, 7वें दिन इकट्ठी सारी की सारी जनाब हर 15 मिनट के बाद खा के पूरा कर दे, बोले में जो फ़ायदा ही नहीं हुआ। दवाइयाँ उतनी खाई हैं जितनी खानी चाहिए थी और 3-3 मरतबा का मैंने अपना ड्यूरेशन बना लिया था, तो ये नहीं होगा। जैसा डॉक्टर ने उसको बताया कि इतने घंटे के बाद, 8-8 घंटे के बाद दवाई लेनी है, उसी तरह उसको लेना पड़ेगा। हमारी अक्सर बेशतर जो चीज़ें हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम मौजूद है, इसीलिए शायद फिर लोग ये जो सवाल है कि यार मैं नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन नेक नहीं बनता, मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन वो तकवा और वो परहेजगारी नहीं आती, ये उसकी मेन वजह यही होती। वरना कुरान पाक की जैसे आयत मुबारक है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से मना करती है, रोकती है। अब नमाज पढ़ने के बावजूद ना बेहयाई रुकती है ना बुराई रुकती है। वही आदमी नमाज पढ़ता बाद में फिल्म देखने बैठ जाता है, वही आदमी नमाज़ पढ़ता है जाके कारोबार में भरपूर डंडियाँ मारना शुरू कर देता है, वही मिलावट वाला माल बेच रहा है, वही जाली दवाई बेच रहा है, वही जनाब नाकिस मटेरियल लोगों को बेच रहा है, वही भाई साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं इंजीनियर, नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद वही ब्रिज बना रहे हैं जिसके अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, बाद में पुल गिरेगा लोग मरेंगे। सही। तो ये क्या है, इसकी नमाज ने क्यों नहीं इसको बुराई से रोका? वजह यह है कि नमाज को जैसे पढ़ना चाहिए था वैसे इसने नहीं पढ़ा। सही। जब इसने वैसा पढ़ा ही नहीं है तो इसको वो फ़ायदा हासिल ही नहीं होंगे जो बयान किए गए हैं। इसी तरह रोज़े का मामला है, रोज़े के जो आदाब हैं जब उन आदाब को पूरा नहीं किया जाता तो उसका नतीजा फिर वही होता है जो हमारे सामने आता है। अब रोज़े के आदाब में से ये था कि वो जैसे है कि एक तो रोज़ा सिर्फ खाने पीने और ख्वाहिशात से रुकने का नाम, इसके साथ वो जो फरमाया कि आँखों की हिफाजत, हाथों की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत, कानों की हिफाजत, कान बुरा सुने नहीं, ज़बान से बुरी बात ना की जाए, गाली ना दी जाए, बुरा ना कहा जाए, गीबत ना की जाए, झूठ ना बोला जाए, वादा खिलाफ़ी ना की जाए, आंखों से बदनिगाही ना की जाए। एक आदमी पूरा महीना अगर इन जुमला आदाब के साथ रमज़ान मुबारक गुजारता है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी कैफियत भी दूसरे लोगों की तरह रमज़ान के बाद वैसी की वैसी हो। एक आदमी कोई आदमी करके देख ले, लाजमी तौर पर उसकी तबीयत के अंदर फ़र्क आएगा और उसके जो है ना एक बिल्कुल उसके अंदर एक जुदा गाना चीज़ जो है वो नज़र आएगी। तो ये नियतें, अच्छा ये जो है कि आदाब का ख्याल रखना। अच्छा इसी तरह एक और बड़ी चीज़ है जो हमने पहले भी जिसका जिक्र किया था कि चूँकि रमज़ान से पहले ही या रमज़ान के दौरान ही ये नियत करके बैठे होते हैं कि ईद आते साथ ही हमने फलां गुनाह शुरू करने, बड़ी अहम बात फरमा, तो जब पहले से प्लानिंग की हुई है तो अब रमज़ान की बरकतों के रास्ते में हर्डल तो खड़ी कर दी। सही, शुरू से बैरियर लगा हुआ है उसके, वो उसको रमज़ान की बरकतों को आने नहीं देगा। तो जब खुद बरकतों के बारे में ये तहैया किया हुआ है कि वो 29 दिन रहें या 30 दिन रहें, 31वें दिन उनको इजाज़त नहीं है, तो फिर रमज़ान की बरकतें पीछे भी नहीं फिरेंगे कि भाई साहब हमें लेती जाओ। सही। तो ऐसा नहीं होगा। तो जब पहले से बुरी नीयत मौजूद है तो फिर उसके बाद नतीजा यही होता है। फिर इसी तरह एहतिसाब एक बहुत बड़ी चीज़ है, इबादत के बाद एहतिसाब करना ये बड़ी अहम चीज़ है कि रमज़ान गुजरने के बाद थोड़ा सा अगर जैसे ये जो हम बातें कर रहे हैं ये किस्म के एहतिसाब की सूरत है, ये एक जनरली हम बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली एक आदमी अपनी ज़ात के एतबार से पर्सनली वो गौर करता है कि मुझे रमज़ान मुबारक की कितनी बरकतें हासिल हुई, मेरी नमाज़ों की पाबंदी जो है वो शुरू हुई, मेरा जो है वो नमाज़ों का शौक़ मेरे दिल में पैदा हुआ, तिलावत कुरान का शौक़ पैदा हुआ और तस्बीहात का, ज़िक्रुल्लाह का, अल्लाह ताला की हम्दो सना का, दुरूद पाक का, इसकी ये चीज़ मेरे अंदर पैदा हुई। क्या मैं लोगों के हुकूक़ का ख्याल रखना मैंने शुरू किया, क्या मैंने जो है वो हराम खोरी, मिलावट से, रिश्वत से बचने का मैंने इरादा किया और क्या मैं इन चीज़ों से बचूँगा। तो अब इन चीज़ों पर आदमी अगर एहतिसाब करे तो वाक़अतन उसके अंदर तब्दीली आएगी। यानी फिर आदमी को एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार ये क्या मुनाफ़क़त है कि मैं रमज़ान के अंदर जनाब सूफ़ी बासफ़ा बन के बैठा होता हूँ, रमज़ान के बाद दोबारा वही फासिक फाजर बन के बैठ जाता हूँ। तो आदमी थोड़ा सा अपने आप को शर्मिंदा करता है, यानी अपने आप को शर्मिंदा करता है तो फिर उसके अंदर एक एहसास पैदा होता है। बड़ी अहम बात मुफ्ती साहब ने फरमाई, अल्लाह ताला हमें ये सोच अता फरमाए, अपना मुहासबा। बड़ी ही अहम बात है मदनी चैनल के नाजरीन के रमज़ान मुबारक की बरकतें जो मुफ्ती साहब ने इब्तिदा में फरमाया कि इट्स अप टू यू कि आप उसकी बरकतों को कंटिन्यू अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं। यह आपका अमल, ये आपका जहन, यह आपकी सोच, आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। रमज़ान की बरकतें तो कंटिन्यू रह सकती हैं, वो तकवे की शक्ल में, परहेज़गारी की शक्ल में, नेकियों की शक्ल में, गुनाहों से बचने की शक्ल में, लेकिन जो असबाब बयान किए तकाजे के मुताबिक इबादत ना करना और पहले ही से ये जहन बना लेना कि रमज़ान की हद तक मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने इनको छोड़ देना है, या किसी गुनाह को बाद में जो है वो करने का इरादा कर लेना उसकी बरकतों को ज़ाय करता है। यकीनन हम सब ये चाहते हैं, किसी से भी सवाल करेंगे तो कोई मना नहीं करेगा कि मुझे रमज़ान की बरकतें नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमतें नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कौन मुसलमान ये चाहेगा, लेकिन अमली तौर पर हमारा अंदाज़ ऐसा हो जाए काश, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें सारा ही साल हम हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। मुफ्ती साहब शायद एक वजह ज़हन में है कि ये भी हो सकती है कि ये सोच बन जाती हो बाज़ लोगों की कि रमज़ान में रोज़ादार की तो बख्शिश हो ही जाती है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाई देता है, अशर रहमत है, मग़फ़िरत है, जहन्नम से आज़ादी है, रोज़ादार की जो है वो बख्शिश की जो नवीदें हैं, तो शायद इस पर एतमाद करके भी लोग जो है फिर रमज़ान के बाद गुनाहों से बाज ना रह पाते हों। क्या ये वजह भी हो सकती है? देखिए ये वजह हो सकती है और ये वसवसा सिर्फ इसी एक चीज़ के अंदर नहीं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे ये हज है और उम्रा है। अब हज और उम्रे के हवाले से भी इस तरह की फजीलतें मौजूद है, ख़ासतौर पे हज के हवाले से या रमज़ान मुबारक में उम्रे के हवाले से। तो अब लोग इसके ऊपर ये समझते हैं कि भी हज उम्रा कर लिया तो सारे गुनाह तो माफ़ हो गए, अब नए सिरे से अगले साल का सीज़न गुनाहों का वो शुरू कर देते हैं। तो अब ये जो तर्ज़ अमल है लाज़मी बात है कि इसका कोई भी जो है ना वो इसको दुरुस्त करार नहीं दे सकता। अच्छा, इसी तरह नमाज के बारे में भी है कि नमाज़ के फ़ज़ाइल के अंदर भी है कि नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं। इसी तरह रोज़ों के बारे में भी है, रमज़ान और मुबारक के महीने के हवाले से भी है कि रमज़ान और मुबारक का महीना जो है वो नजात का है, मग़फ़िरत का है, रहमत का है। तो ये चीज़ें जो हैं ये वसवसे के तौर पे हो सकती हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ एक बात जो है वो हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए और इस तरह की जितनी भी फजीलतें हों सबको उसी जो है वो मेयार के ऊपर जो है वो तोलना चाहिए। वो ये है कि गुनाह दो तरह के हैं, एक है गुनाह हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक और एक गुनाह हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक। यानी नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, फ़र्द हज ना करना, ज़कात अदा ना करना और इस तरह के वाजिबात के जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ, एक ये गुनाह होते हैं। दूसरे गुनाह वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ होता है। सही, हुकूकुल इबाद के साथ जिन गुनाहों का ताल्लुक़ है वो भी है कि जैसे किसी का माल छीन लिया, किसी को मारा, किसी को गाली दी, किसी को बुरा भला कहा, किसी का दिल दुखाया, किसी की ग़ीबत की, दो मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया, पड़ोसियों को तंग किया, दूसरे का जो है ना वो दूसरे को नुकसान पहुंचाया किसी भी ज़रिए से, या जैसे ये मिलावट की चीज़ें बेचना है या ये जो जाली अद्वियात का बेचना है या जो है वो क्या नाम है ये जनाब गंदी मंदी अशिया से जनाब तेल तैयार करके वो मार्केट के अंदर बेचना है। ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूक़ की बात के साथ। सही, जब अहादीस मुबारक के अंदर ये बात आती है कि मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ जी, या ये आता है कि रमज़ान मुबारक से सारे गुनाह माफ़, इससे मुराद हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ गुनाह होते हैं। अच्छा, हुकूकुल इबाद वाले गुनाह इस तरह माफ़ नहीं होते। सही, सही, हुकूकुल इबाद वाले गुनाह जब तक जिस बंदे का हक़ तलफ़ किया है वो माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। सही, लिहाजा अब एक आदमी ने अगर रिश्वत ली है या किसी का माल छीना है या किसी को थप्पड़ मारा है या किसी को गाली दी है या किसी को बुरा भला कहा है या लोगों के सामने उसको जलील किया है, उसका मजाक उड़ाया है, उसकी ग़ीबत की है, जब तक ये ग़ीबत वाली सूरत थोड़ी सी उसमें तफसील है। सही, अब जब तक इन चीज़ों के अंदर वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगा और वो इसको माफ़ नहीं कर देगा, इसे अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। सही, इसे रमज़ान मुबारक की ये फजीलत हासिल नहीं कि इसके जुमला गुनाह माफ़ हो गए। वो जुमला गुनाहों का ताल्लुक जो है वो हुकूकुल्लाह के साथ था कि हुकूकुल्लाह के अंदर जो उसका गुनाह था वो अल्लाह ताला इसे माफ़ कर देगा। और वो गुनाहों का माफ़ होना यानी हुकूकुल्लाह से मुताल्लिका गुनाहों का माफ़ होना भी ये नहीं है कि ये कोई कतई चीज़ है, सही यकीनी हो जाए कि आपने रोज़े रखे तो आपके बाहर सूरत जो है वो गुनाह माफ़ होंगे ही होंगे हुकूकुल्लाह के, वो भी अल्लाह ताला की मशीयत के ऊपर है और रोज़े की अपनी वैल्यू के ऊपर है कि इसके रोज़े वैलिड कितने हैं, इसके रोज़े उस दर्जे के हैं कि जो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बने। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि हुकूकुल इबाद वाला मामला वैसी अपनी जगह बाकी ठीक है, और उसके होते हुए तो हो सकता है कि इसके रोज़े कबूल ना हो। अच्छा ऐसा भी कि नहीं, हुकूकुल इबाद का तो वो मामला है कि उसके होते हुए रोज़े कबूल ना हो या दुनिया में कबूल हो भी गए लेकिन आखिरत के अंदर इसकी नेकियां उधर चली जाएँ। यानी ग़ीबत करने के बारे में है ना कि ग़ीबत की तो ग़ीबत करने वाले की नेकियाँ उसके नामा अमाल में चली जाती हैं कि जिसकी ग़ीबत की गई या किसी पर जुल्म किया, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो उनका आपस के अंदर तबादला कराएगा वो यही होगा कि इसकी नेकियाँ ज़ालिम की नेकियाँ मज़लूम को दे दी जाएंगी और अगर पूरी जो है वो सिलसिला उसका पूरा ना हुआ तो मज़लूम के गुनाह उठा के इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो अब एक आदमी ने रमज़ान के रोज़े तो रखे और 70 साल तक रमज़ान के रोज़े रखता रहा लेकिन वो ज़ालिम भी है, वो रिश्वतखोर भी है, वो दूसरों को गालियाँ भी देता है, वो बुरा भला भी कहता है, वो पड़ोसियों को तंग भी करता है, वो मिलावट वाला माल भी बेचता है, वो जनाब नाकिस चीज़ें भी बेचता है, वो मुज़र सेहत अद्वियात भी बेचता है, वो जाली अद्वियात बेचने का काम भी करता है, वो जनाब चीज़ों के अंदर घपले करके लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो ख़तरे के अंदर डालता है। तो अगर ये उसके सारे गुनाह शामिल हैं तो एक आदमी कितनों का वो गुनाहगार है, यानी वो कितनों के हुकूक में जो है वो मुब्तला होगा। मिसाल के तौर पे यानी थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में लें, एक शख्स जो जाली दवाइयाँ बनाता है, जो जाली और नाकिस दवाइयाँ बनाता है, तो दवाई एक आदमी जब बनाता है तो ये हकीम साहब तो नहीं है कि इसकी दवाई 10 आदमियों ने इस्तेमाल करनी, ठीक है, ये तो कंपनी है, सही कंपनी की दवाई तो जो 10 लाख आदमी इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला इंप्लीमेंट हो गया, फार्मूला इंप्लीमेंट फार्मूला तो सही होता है लेकिन इसका जाली फार्मूला जो है वो जो इंप्लीमेंट होता है। तो अब इसकी दवाई का जो नुकसान है जिसकी वजह से लोग मर रहे, मिसाल के तो अभी 2-3 साल पहले आपको याद होगा, ये शायद रमज़ान का महीना था, ये इसके आसपास था, दिल की एक दवाई थी जी, अब उसका फार्मूला जो है वो गलत कर दिया, यानी उसमें कुछ और चीज़ जो है कुछ जैसे किसी शय की कमी कर दिया, ज़्यादती कर दी, उस दिल की दवाई खाने से 150 बंदा मर गया। मजा फरमाया आपने, यही चंद दिनों के अंदर अंदर वो उसके अब क्या, अब जिस जालिम ने ये काम किया था वो तो कितने लोगों को वो नुकसान पहुंचाने वाला। तो अब इस तरह की कितनी दवाइयां हैं कि जो कोई हेपेटाइटिस के बारे में होगी, कोई कैंसर के बारे में होगी, कोई दिल के बारे में होगी, कोई शुगर के बारे में होगी, कोई ब्लड प्रेशर के बारे में होगी। तो अब ये एक आदमी क़यामत के दिन कितनों को हिसाब देगा। इसने अगर 70 साल भी रोज़े रखे हुए, जाली दवाइयाँ बनाने वाले ने 70 साल रोज़े रखे हुए, तो क़यामत के दिन 10 लाख आदमियों का तो ये हिसाब देने वाला है। सही, सही, 10 लाख आदमियों को तो पहले जो है ये अपनी नेकियां देगा, ठीक है, 70 साल की नेकियां 10 लाख अफराद में तकसीम कर दीजिए, उसके बाद भी हिसाब किताब पूरा ना हुआ तो उनके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। 10 लाख आदमी को गुनाह लेके बैठा हुआ होगा, तो ये इस तरह कैसे बोलेगा कि जना मैं रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता था लिहाजा मेरी बख्शिश हो गई, अब रमज़ान के बाद मैं जो मर्जी करता फिर। तो जो गुनाह हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है और फिर उसके अंदर भी दो सूरतें जैसे बात से वैसे ही वाजे हो रही है कि हुकूकुल इबाद में भी गुनाह बाद औक़ात सिर्फ एक फ़र्द से मुताल्लिक होता है, ठीक है, एक वो होता है पूरी कम्युनिटी या पूरी कंट्री से मुताल्लिक होता है, पूरे माशरे पर असरात करता है ना। वो एक आदमी जो है किसी को गाली दे दी, सही, एक फ़र्द को उसने गाली दिया तो उस एक ही फ़र्द को गाली दी, लेकिन एक आदमी जो मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, इंजीनियर है, एक ब्रिज बनाता है, एक पुल बनाता है, अब उसने एक पुल बना दिया और पुल बनाया उसने नाकिस, जैसे हमारे यहाँ बनते, अब उसका नतीजा बाद में ये होगा कि खुदा ना खासा जब वो पुल गिरेगा वो कितने जो है ना वो 100 लोगों को लेके मरेगा और कितनों को वो नुकसान पहुंचाएगा, वो सारे के सारे सबका गुनाह जो है ना वो इसके ऊपर है, यानी वो सबका ये गुनाहगार है। तो यूँ हुकूकुल इबाद का भी फिर बहुत जो है ना तफसीली वो सूरत हो जाती है। तो पहले ये बात कि भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे लिहाजा गुनाह माफ़ हो गए, जहन्नम से निजात मिल गई, इसमें वही तफसील है कि ये बेबाकी है। गुनाह दो तरह के हैं, हुकूकुल्लाह से मुतालिक हैं, हुकूकुल इबाद से मुतालिक। जो हुकूकुल इबाद से मुतालिक है उनकी माफ़ी नहीं होती, वो जिनका हक मारा उनका हक अदा करना पड़ेगा। और इधर जो हुकूकुल्लाह है इसकी अभी कोई कतई फैसला नहीं है कि इसने रोज़े रखे तो इसके बाहर सूरत इसके गुनाह हुकूकुल्लाह वाले माफ़ हो गए, इसके रोज़े उस दर्जे के थे, अल्लाह ताला ने कबूल किए, अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत से इसको माफ़ किया तो इसकी माफ़ी है। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ के ऊपर जो है ना वो दारोमदार रख के आदमी अपने आप को गुनाहों में डाल दे तो ये ऐसा ही है जैसे एक किसी हकीम के बारे में पता कि यार ये हकीम बड़ा अच्छा मुआलिज है, एक आदमी जहर खा ले कि मौलवी साहब तो मौजूद ही सही, तो बाद में हो सकता है मौलवी साहब फेल हो जाए। सही, बड़ी प्यारी मिसाल। ठीक है, तो आदमी जिस तरह अच्छे मुआलिज कि जो है वो उसके अंदर जो है वो एतमाद के ऊपर जो है वो जहर नहीं खाता कि यार वाकई बाद में मर जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला की मशीयत का हमें पता नहीं है। सही, कि अल्लाह ताला अपनी मशीयत से हमारे गुनाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा, है वो कादिर मुतलक है वो बख्शने के अंदर जो है वो कामिल है वो। सही, लेकिन उसकी मशीयत क्या है हमें इसका पता नहीं है, तो लिहाजा इस उम्मीद के ऊपर कोई आदमी गुनाह करता है तो वो फिर अपना नुकसान करने वाला है। सही, बड़ी बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत बात इरशाद फरमाई, और वाकई हो सकता है नाजरीन में से बहुतों के जहन में ये चीज़ बस्ती हो, और मुफ्ती साहब ने एज़ अ होल भी इसको बयान फरमाया कि सिर्फ ये रमज़ान से मुतालिक नहीं बल्कि जनरली जो है ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नेकी पर एतमाद करके, रहमत पर इस तरह का एतमाद करके कि यार रहमत की वजह से मैं बच जाऊँगा, अब किसी गलती का इर्तिकाब करना बड़ा ही ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हमें इस तरह की सोचों से भी महफूज फरमाए, हमेशा उसका खौफ अपने दिल में रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये कब होगा, कैसे होगा, रमज़ान मुबारक गुजरने के बाद भी हमें इन अपनी कैफियत को और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत को, बंदगी को, इबादत को इस्तेकामत के साथ करने के लिए अच्छे माहौल की बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत है। यकीनन एक दफ़ा सुनते हैं, माहौल ही की बरकत है। जैसे आप इस वक्त मदनी चैनल के साथ हैं तो गोया कि आप मदनी चैनल के माहौल के साथ इस वक्त वाबस्ता हैं। एक कॉन्सेप्ट है, आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो एक जहन बन रहा होगा कि नहीं यार इन गलतियों को मेंशन किया गया तो मैं अब इससे बचूंगा, लेकिन जैसे यहाँ से उठकर जाएंगे और आपने इस माहौल से अपने आप को अलग किया, आप किसी और माहौल के अंदर गए, अब जैसा वो माहौल होगा वैसा ही रंग आप पर नज़र आएगा। दावत इस्लामी का मदनी माहौल, नेक लोगों का माहौल, उलमा की सोबत इख्तियार करना, मुबल्लिगीन के साथ अपना वक्त गुजरना, मदनी काफ़िलों में सफ़र करना, हफ्तावार इज्तिमा की हम आपको दावत पेश करते हैं, मदनी नामात पर अमल करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बाइस इस्तेकामत होती हैं कि जो चीज़ें हमने रमज़ान मुबारक में एक अच्छे अंदाज पर इबादत के तौर पर अपनी आदत में शामिल रखी, अब उनको हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने माहौल को, अपने अतराफ़ को, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी होगी कि जो हमें मुसलसल इस चीज़ की याद दिलाते रहें, हमारे जहन को बार बार जो है इस चीज़ के बारे में तवज्जो दिलाते रहें कि हमें क्या करना है, और इस तरह की बेबाकी और इस तरह के अंदाज से हमें महफूज रख सकें। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे अमीर सुन्नत को, दावत इस्लामी को, कि इस मदनी माहौल में हमें इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर अमल करने का मौका मिलता है। मुफ्ती साहब अगर कुछ मैसेजेस आप तक पहुँचे हैं और आप जवाब देना चाहें तो शामिल कर लें। वही है जिसके ऊपर हमने कलाम किया है, रमज़ान में इबादत का शौक़ होता है, ठीक है, वो रमज़ान के बाद क्यों नहीं होता, ठीक है, और रमज़ान के बाद शरई अहकामात की पाबंदी नसीब हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, रोज़ा तक़वा और परहेज़गारी का दर्स देता है, लेकिन रमज़ान के बाद तक़वा और परहेज़गारी कैसे नसीब होगी। सही, रमज़ान में भारी अक्सरियत तिलावत कुरान में मशगूल होती है, लेकिन आम अय्याम में तिलावत कुरान में सुस्ती का शिकार होती है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इन चारों का जवाब यही है कि रमज़ान और मुबारक की जो हमने चीज़ें बयान की हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब रमज़ान के बाद भी वो इबादत का, तिलावत का, ज़िक्र व अज़कार का, नेकियों का, तक़वा और परहेज़गारी का शौक़ पैदा करने का जो हमारे पास एक मुजर्रब तरीका है वो वही है जो अभी आपने बयान किया कि अच्छी सोहबत जो है वो मेन चीज़ है। हमारे ज़माने के अंदर देखा ये है, यानी किताबें पढ़ने का भी फ़ायदा है और बहुत फ़ायदा है, लेकिन उसमें भी बहरहाल ये देखा है कि शायद किताबें पढ़ने से भी वो असरात नहीं होते। सही, जो एक मजमूई माहौल से होते हैं, यानी किताबें पढ़ने से अगर नेक बनते हो तो जिसने ज़्यादा किताबें पढ़ी वो ज़्यादा नेक हो, जबकि ऐसा है नहीं, यानी बहुत मरतबा ऐसा ही नज़र आता है कि ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले उतने नेक होते नहीं हैं जितनी किताबें पढ़ी होती हैं। लेकिन अच्छे माहौल में उठने बैठने वाले बहुत मरतबा बहुत सी ऐसी नेकियों के ऊपर भी अमल करने वाले होते हैं कि जिनकी तरफ किसी आम आदमी की तवज्जो भी नहीं होती, यार ये नेकी का काम है और मुझे ये करना है, इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो बारह नेक माहौल जो है ये बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी एक चीज़ है कि जो इबादत का शौक़, नेकियों का शौक़ जो है वो बाकी रखने के लिए मुफीद साबित होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल जो है ये इसकी यानी ज़िंदा तरीन मिसाल है और बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल है। इतिकाफ के मनाजिर हमने आखिरी दिनों में दिखाए थे, इस दफ़ा तो हमने इस तरह से भी कुछ दिखाया था कि शुरू में एक शख्स आया, उसका क्या अंदाज़ था, कैसा था वो, और जब आखिरी दिनों में जा रहा था तो अब उसके अंदर प्रैक्टिकली क्या क्या तब्दीली थी और क्या क्या उसके जज्बात थे, ये तो नाज़रीन देखते हैं माशाल्लाह। एक और मैसेज था जी, किसी का सवाल ये कि मेरा केबल का कारोबार है तो ये जायज़ है या नहीं। तो केबल का जो कारोबार है जिस अंदाज में हमारे यहाँ ये पाया जा रहा है वो तो जायज़ नहीं है। यानी केबल वाले की अपनी मर्जी भी होता है ना कि उसने जो भी चैनल लगाना है वो खुद अपने डिश के ऊपर सेट करता है। रिसीवर्स होते हैं जिसको रिसीवर जो वो सेट करता है, फिर उसी की वो जो भी उसका स्टाइल वो तरीका होता है उसकी वो लगाने का, केबल लगाने का, उसके साथ वो लगाता है। चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी कर सकता है। तो जब वो अपनी मर्जी से जो है वो अच्छे 2-4 चैनल्स के साथ 20 बुरे चैनल लगाता है और इतने सारे लोगों को वो प्रोवाइड कर रहा है, तो बहरहाल ये इसको तो कोई जायज़ होने का सोच भी नहीं सकता। तो ये बात नाजायज़ ही है। मुफ्ती साहब, हमने ये बात तो की कि रमज़ान मुबारक के गुजरने के बाद बरकतें कैसे हासिल की जाएं और कैसे इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह जो वसवसे गलत लोगों के जहनों के अंदर होते हैं उसका भी आपने इरशाद फरमाया। एक और बड़ी अजीब सी बात है और बायस शर्मिंदगी भी होती है कि बाज़ वो चीज़ें हैं कि जो रमज़ान मुबारक से पहले नहीं होती वो बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर महंगाई है बिला वजह की, इसी तरह धोखा देना है, नाकिस माल को बेचना है, इसी तरह मिलावट करके माल को बेचना है। इस तरह के और भी कुछ चीज़ें हैं कि जो रमज़ान से पहले नहीं होती या होती हैं तो रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा उसका जो है वो इजाफा हो जाता है, बढ़ जाते हैं। करने वाले भी मुसलमान ही होते हैं, उन्हें भी पता है कि रमज़ान मुबारक की आमद हो चुकी है। तो ये जो चीज़ें और इस तरह के बाज़ आदात रमज़ान मुबारक के अंदर बढ़ जाती हैं, तो इसकी क्या वजूहत हैं और उसका क्या इलाज हो? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है यानी रमज़ान मुबारक से पहले महंगाई उतनी नहीं होती, रमज़ान में कर दी जाती है जी। रमज़ान मुबारक के अंदर जितना साबिका गला सड़ा माल है वो रमज़ान में बेच दिया जाता है, सारा निकाल, ठीक है, सारा स्टॉक निकाल दिया जाता है। अच्छा, फिर चीज़ों को जैसे फल है, फलों को पकाने के लिए दुनिया भर का जहर भी अगर मिलाना पड़े ना उसको पकाने के लिए, यानी पुख्त वो जो कच्चा, जैसे कच्चा आम है उसे पकाने के लिए अगर जहर में डबो के भी निकालना पड़े ना तो हमारे लोग निकाल देंगे उसको। लोग मरते हैं मरें, लेकिन बहरहाल हमारा आम बिकना चाहिए। केला है उसको केमिकल के अंदर वो भगो के उसको जो ना वो बना लेंगे और उसको वो बेच देंगे। तो बात ये है, इन सब के पीछे जो वजह है जी वो है इस्लामी तरबियत ना होना और इस्लामी जहन ना होना। क्योंकि अगर इस्लामी तरबियत हो और इस्लामी जहन हो तो फिर ये चीज़ें ना हो, इसके उलट हो। ठीक है, क्योंकि इस्लाम क्या था? इस्लाम तो ये था कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। ठीक है, मुसलमान आपस के अंदर एक इमारत की तरह जिसकी एक ईंट दूसरी को मजबूत करती है। ठीक है, अच्छा, मुसलमान का फरमाया कि दीन तो है ही खैर खाही का नाम जी, दूसरों का भला करने का नाम। तो जब दूसरे का भला करना है, खैर खाही करना है, तो उसमें धोखा कहाँ से आएगा, फ्रॉड कहाँ से आएगा, उसके अंदर दूसरे को तकलीफ़ देना कहाँ से आएगा, उसको गला सड़ा माल बेचना कहाँ से आएगा, उसको जो है वो नाकिस अशिया बेचना कहाँ से आएगा, उसको मुजर सेहत चीज़ें बेचना कहाँ से आएगा, फिर ये नहीं आएगा। तो बात यह है कि जितना एक बंदे का अपना इस्लाम, बजाते खुद इस्लाम नहीं, एक बंदे का अपना इस्लाम जितना कमज़ोर होता जाता है वो गुनाहों में और इस तरह के जो है ना वो यानी चीज़ों के अंदर वो उतना जरी होता जाता है। और जिसका अपना ईमान जितना मजबूत होता है वो उतना ही दूसरों का खैरखा बनता जाता है। एक आदमी के दिल में अगर खैरखाही होगी और पूरा इस्लाम होगा तो वो अपने पड़ोसी को तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका दीन तो उसको ये कहता है कि खुदा की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जिसका ईमान मजबूत नहीं है और जिसके दिल के अंदर ईमान की वो ताकत और वो पावर है ही नहीं, उसके लिए पड़ोसी जो है वो है ही उसके लिए खिलौना, वो इसको जितना मर्जी तंग करे। तो इन सारी चीज़ों का असल मदार जो है वो दीन की, आदमी के अपने दीन की कुव्वत, अपने ईमान की मजबूती के ऊपर है। ईमान जितना मजबूत होगा, दीन का इल्म जितना ज़्यादा होगा, अच्छी तरबियत जितनी हुई होगी, अच्छी सोहबत जितनी नसीब होगी, आदमी उतना इससे बचने की कोशिश करेगा। और जितना वो इससे दूर होगा, जितना दीन से दूर होगा, उतना ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर पड़ जाएगा। ठीक है, मुफ्ती साहब, ये तो हो गई उन चीज़ों का बयान किया हमने कि जिन चीज़ों में यानी गलतियों की तरफ जो लोग माइल होते हैं और ये जो गलत चीज़ें, गलत आदत जो है वो पनप जाती हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ भी होती है माशाल्लाह, अगर पॉजिटिव वे में देखें कि रमज़ान मुबारक के आते ही उलमा से राब्ता, मुफ्तियान कराम से राब्ता करना। बाद लोग वो होंगे, आपको तो तजर्बा होगा कि शायद सारा साल जो है वो इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं करते होंगे, इतना राब्ता नहीं करते होंगे, लेकिन रमज़ान मुबारक में आते होंगे, मिलते होंगे, एक दफ़ा दोबारा मरबूत हो जाते होंगे। इसी तरह दारुल इफ्ताह के अंदर भी मदनी चैनल पर हम देखते हैं कि कॉल्स का रेशो बढ़ जाता है, लोग देखने वाले बढ़ जाते हैं, व्यूअरशिप बढ़ जाती है। तो एक शरई अहकामात को सीखने का जज्बा और मसाइल को पूछने का जो जज्बा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और इसी तरह रमज़ान के बाद भी कुछ दिनों तक हम कह सकते हैं कि वो बाकी रहता है। तो एक तो इसकी अहमियत कितनी है, जो मैंने अर्ज़ किया शरई मसाइल को पूछने के हवाले से, इसी के साथ साथ जब ये भी एक काम है और पूछना चाहिए, पूछते भी हैं, हम तरगीब भी देते हैं, लेकिन इसके ज़ाहिर कुछ आदाब भी होंगे, तो इसके आदाब क्या होने चाहिए, अहमियत और आदाब दोनों के अगर कुछ मदनी फुल बयान हो जाए। देखिए अहमियत तो सीधा सीधा जो इल्म दीन की अहमियत है वही मसाइल पूछने की और सीखने की अहमियत है, और मसाइल सीखने की जो अहमियत है उसके अंदर बड़ी एक सिंपल सी बात है कि अव्वल तो कुरान पाक का हुक्म है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। अच्छा, दूसरा हदीस मुबारक के अंदर जितने फ़ज़ाइल हैं वो भी बड़े वाज़े हैं कि कसीर हदीस मुबारक के अंदर इसके कसीर फ़ज़ाइल बयान किए गए। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अक़ल का तकाज़ा भी ये है कि जो आदमी को मसला मालूम नहीं और उसे उसकी ज़रूरत है वो उसके बारे में मालूमात हासिल करे। अब और फिर शरई मसला भी यही है कि एक आदमी को अगर एक मसला दरपेश है और उसे इल्म नहीं है तो वो उस मसले को सीखे। जी, जैसे शरण यानी हुक्म यह है कि एक आदमी तिजारत करना चाहता है तो उस पर वाजिब है कि तिजारत के मसाइल को सीखे, और एक आदमी सोने का अगर कारोबार करना चाहता है तो ज़रूरी है कि सोने के मसाइल जो है ना वो सीखे। एक आदमी खेती बाड़ी करना चाहता है, ज़मीन जो है या तो उसने यानी अपना काश्तकारी के लिए देनी है या उसने लेनी है, तो उस पर ज़रूरी है कि वो इसके मसाइल सीखे, जो मुज़ारात के और इस तरह क्या नाम है मुखाबरा वगैरह के जो अहकाम कहलाते हैं इनके मसाइल वो सीखें। तो शरई मसाइल की अहमियत तो इस एतबार से है कि शरअन कसीर मसाइल का सीखना वाजिब है। एक आदमी नहीं सीखेगा तो वाजिब का तारिक होगा और गुनाहगार होगा। अच्छा, अब ये है कि मसाइल पूछने के हवाले से कि मसला किससे पूछा जाए, ये बड़ा ये भी अहम चीज़ है कि इसमें गलती उस मसले के समझने में, सीखने में गलती या उससे भी किसी बड़ी गलती का सबब बन सकती है। तो मसला पूछने में, सीखने के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि उस आदमी से मसला पूछे जिसका अकीदा दुरुस्त हो। अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है और ये उससे मसला पूछेगा, मसला तो हो सकता है वो इसको सही बता दे, ठीक है, लेकिन साथ में अकीदा इसको गलत बता दे, नतीजा ये होगा कि फ़ुरूई मसला पूछने गया और उसूली अकीदे का मसला बिगाड़ के वापस आ गया, बड़ा नुकसान करके आया, बड़ा नुकसान करके। लिहाजा मसला उससे पूछे जिसका अकीदा दुरुस्त, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मसला आलिम से पूछे, गैर आलिम से मसला ना पूछे। वजह यह है कि आलिम ने इल्म सीखा होता है और उसे उस मसले की मुकम्मल मालूमात होती है, लिहाजा वो जो मसला बताएगा वो मसला दुरुस्त भी होगा और वो मसला इसकी सूरत हाल पर पूरी तरह मुंतबिक भी होगा। अगर कम इल्म से या जाहिल आदमी से मसला पूछेगा या जिसने इल्म नहीं सीखा हुआ उससे मसला पूछेगा तो नतीजा ये होगा कि जब उसे मसला मालूम नहीं है तो इसे क्या बताएगा, सही, इसे भी गलत बता देगा या इसे पूरा नहीं बताएगा, और नतीजा ये होगा कि आदमी गलत मसले पर ही अमल करता रहेगा और अपने तौर पे सही समझ रहा होगा और हमारे ज़माने में बहुत बड़ी गलती यही है, क्योंकि हमारे ज़माना वो है जिस जो यानी पूरी तरह तो वो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उसकी तरफ बनता जा रहा है। वो ये है, हदीस मुबारक में फरमाया गया कि एक ज़माना होगा अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इत्तखज़ नासु रुऊसन जुहालन फ़अफ़तऊ बिग़ैर इल्मिन फ़दल्लू व अदल्लू, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और उन जाहिलों से मसाइल पूछेंगे तो वो जाहिल उन्हें फतवे देंगे और वो जाहिल ख़ुद भी गुमराह होंगे सरदार और इन पूछने वालों को भी गुमराह करेंगे। हमारे ज़माने में मसाइल सही बताने वाले भी कम तादाद में नहीं, ठीक है, लेकिन गलत बताने वाले भी कम तादाद में। हमारे यहाँ मसाइल बताने वालों का वो हाल है कि एक आदमी उसने यानी इल्मे दीन बाकायदा नहीं पढ़ा हुआ कि उसका मसाइल सीखने का शौक़ है, उसका मसाइल पे जो है लोगों से गुफ्तगू करने का शौक़ है, उलमा से उसकी जो है वो बातचीत होती है, किताबें वो पढ़ता है, पुख्ता इल्म दूसरों से हासिल करने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने सिर्फ एम ए इस्लामियात किया हुआ है, सही, और उसने 4 सूरतों का तर्जमा पढ़ा हुआ है और उसने 6-7 अबवाब के थोड़े थोड़े मसाइल पढ़े हुए, हिदाया की थोड़ी बहुत बातें पढ़ी हुई हैं, उसूल शाशी पढ़ी हुई है। अब वो जनाब बैठा होता है किसी चैनल के ऊपर या वो किसी जगह बैठा होगा और वो लोगों को दुनिया जहान के जुमला मामलात के अंदर शरई मसाइल का जवाब दे रहा होगा, जो पूछेगा वो उसको जवाब दे रहा होगा। तो जब ऐसे लोगों से मसला पूछा जाता है कि जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया तो फिर वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं, क्योंकि जिसने पूरा इल्म नहीं हासिल किया होता है ना उसकी पूरी तरबियत भी कभी नहीं होती। जब उसकी पूरी तरबियत नहीं होती तो उसे ये कहना कि मुझे मसला नहीं आता, ये उसको किसी ने सिखाया नहीं होता, सही, और ये जो है ये इल्म की बुनियादों में से है कि जो मसला नहीं आता उसके ऊपर बोल दे के मैं नहीं जानता इस मसले को, मैं देखकर बताऊंगा या मैं पूछ के बताऊंगा या आप किसी और से पूछ ले। तो जब इस बात की तरबियत नहीं होती तो फिर अटकल पच्चू अपनी तरफ से जनाब अंदाजे लगाना, क्यास करना, इज्तिहाद करना, इधर उधर के मसाइल को मिक्स करके कुछ ना कुछ इसका मलगूबा बना के सामने वाले को बयान कर देना, फिर ये चीज़ पाई जाती है। तो मसला पूछने वाला जो प्रॉपर आलिम है और अच्छा मुतदय्यन आलिम है, उसी से मसला पूछे, हर एक से ना पूछता फिरे। इवन के हर मस्जिद के इमाम से भी मसला पूछना जायज़ नहीं होता। अच्छा, यानी क्योंकि जो मसाजिद के आइमा हैं, मसाजिद के आइमा सब उलमा नहीं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो हाफिज़ कुरान है, किरात अच्छी है, नमाज के मसाइल उनको आते हैं और वो नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे इससे भी नीचे होते हैं। सही, लेकिन एक बड़ी तादाद है कि जो हुफ़ाज़ की होती है और नमाज के बुनियादी मसले याद हो। अब उनसे दीन के दीगर मसाइल पूछेंगे, कारोबार के मसाइल पूछेंगे तो फिर गलती होगी। और हमारा तजर्बा ये, हमारे पास दारुल इफ्ता में लोग आते हैं, मसला पूछा, अब उसको जब जवाब दिया ना कि ये जायज़ नहीं है, वो कहते जी हमने तो अपने इमाम साहब से पूछा था, वो कह रहे थे जायज़ है। सही, तो अब हम उससे पूछे ना कि आपके इमाम साहब ने कहाँ से इल्म दीन पढ़ा हुआ है, नहीं जी वो नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने, लेकिन वो हाफिज़ हैं, किताबें रखी हुई उनके पास। अब अगर हाफिज़ हैं तो हाफिज़ होने का ये मतलब तो नहीं है कि उसको शरई मसाइल भी आते हैं, तो लिहाजा मसला उससे पूछा जाए जिससे इल्म दीन जो है वो अच्छे तरीके से आता है। सब बड़ी अहम बात भी है लेकिन नाजुक बात भी। एक आम आदमी के लिए ये देखना, अब ज़ाहिरन तो है वो बड़ी पर्सनैलिटी होगी उसकी और वो अपने आप को इस तौर पर ज़ाहिर भी करता है, तो एक आम आदमी के लिए कुछ ऐसे एक दो कैसे, यानी ये जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये हमें कैसे पता चले कि हमारे इमाम साहब ने जो है वो इल्म दीन बाकायदा पढ़ा है, वो इस काबिल हैं या नहीं है। अब वो तो नेक आदमी हैं, परहेजगार आदमी हैं, बतौर आलिम के मशहूर हैं, नाम के साथ दो अलकाबात भी लगते होंगे, तो एक आम आदमी क्या करे, आप क्या मशवरा देंगे? फ़ी ज़माना माशरे पर आपकी नज़र है कि वो कैसे कैटेगराइज कर सकता है कि मुझे इससे पूछना चाहिए, इससे नहीं पूछना चाहिए? आज के ज़माने के अंदर तो कुछ सूरत हाल आसान है, पहले ज़माने में ये बात होती तो ज़रा मुश्किल होता। अच्छा, लेकिन उस ज़माने के एतबार से भी ये है कि जैसे एक आदमी ने अपना इलाज करवाना हो तो वो क्या हर किसी के पास चला जाता है कि भाई साहब मेरा इलाज कर दो? जो आदमी भी तिब के नाम पे बैठा हुआ, क्या उसे इलाज करवा लेता है? नहीं, क्योंकि उसे अपनी जान की फिक्र है कि नहीं भाई इसके हत्थे चढ़ के ये ना हो कि इलाज करवाने गया एक बीमारी का 10 बीमारियां साथ लेके आ जाऊं। तो वो उसकी पूछगछ करता है, मालूमात लेता है और हाल अहवाल सारी मालूम करके फिर उस किसी डॉक्टर के पास जाता है। इसी तरह इल्म दीन के अंदर है, जब इल्म सीखना है और अल्लाह का दीन सीखना है तो उसके लिए भी इतनी ही एहतियातें करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन हमारे ज़माने में चूँकि आसानी है, लिहाजा मैं उसी के एतबार से जवाब देता हूँ कि हमारे ज़माने में बज़ाते ख़ुद दावत इस्लामी का जो हमारा सेटअप है, पूरा जो हमारा निज़ाम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक किफ़ायत करने वाला है। कम से कम जो मदनी चैनल देखने वाला, जो हमारी बात सुने, जो सुन रहा है वही अमल करेगा, जो नहीं सुन रहा उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो मदनी चैनल देख रहा है तो चूँकि उसके लिए ये मीन्स में से एक मीन मौजूद है, यानी एक ज़रिया मौजूद है ना, एक ज़रिया उसके लिए मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिस्टम, उसके अंदर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी, यानी हमारे बाकायदा दारुल इफ्ता मौजूद है। इसके अलावा हमारा जो है फ़ोन का कॉल सिस्टम मौजूद है कि फ़ोन के ऊपर वो मसाइल पूछ सकते हैं, वो नंबर्स भी हमारे इसके ऊपर चलते रहते हैं, अपना चैनल के ऊपर भी चलते रहते हैं और वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। अच्छा, इसी तरह हमारी व्हाट्सअप की सहूलत मौजूद है, तो व्हाट्सअप के ज़रिए सवाल किए जाते हैं। इसी तरह हमारी मेल सर्विस मौजूद है, यानी ईमेल के ज़रिए भी मसाइल पूछे जा सकते हैं, तो ईमेल्स किए जा सकते हैं। तो यूँ हमारे 5-6 जो है ना वो सेटअप मौजूद है और अक्सर व बेशतर लोग अगर इस ज़रिए से रब्ता करेंगे तो उनको उसका जवाब मिल जाएगा। तो लिहाजा अब तो मैं इसी के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि एक हमारा जो अपना मुशाहदाती या जो हमारे नज़रों के सामने एक चीज़ चल रही है जी, और वो एक प्रॉपर है और वैलिड है और एक स्टैंडर्ड है उसका, हम उसका जो है वो ज़रूर मशवरा देंगे। इससे हटकर फिर चीदा जगह हैं, लेकिन फिर वो ज़रा तफसील हो जाएगी उसकी। तो हमारा जो सेटअप मौजूद है इसके मुताबिक जो है वो मसाइल सीखें। माशाल्लाह, बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी सहूलत है कि आपको एक एथेंटिक वे बता दिया कि आप यहाँ जाकर मसला पूछ लीजिए। हमारे 1200 मसाइल तकरीबन रोज़ाना जो ना सिर्फ व्हाट्सअप के ऊपर जवाब दिए जाते हैं। 1200 के ये एक सर्विस का आप बयान फरमा, ये रोज़ाना की सिर्फ एक व्हाट्सअप के ऊपर जवाब दिए जाते हैं। जो फ़ोन कॉल्स हैं वो इससे भी ज़्यादा है माशाल्लाह, क्योंकि फ़ोन कॉल एक वक्त जो है ना वो 4-4, 5-5 फ़ोन चल रहे होते हैं, तो उसके जवाब बाद 1800-1900 तक पहुँच जाते हैं उसके जवाब। अच्छा, ये जो मसाइल के हवाले से एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि एक तो वो जो अर्ज़ किया कि आलिम से मसला पूछे। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी है कि उस आलिम से मसला पूछे जो बिल्कुल जरी तौर पे बेअमल नहीं। अच्छा, यानी एक आलिम तो है सही, लेकिन परले दर्जे का बेअमल है। अच्छा, अब उससे मसला पूछने की नहुसत ये होती है कि मसला तो बाज़ का दुरुस्त होता है, ठीक है, लेकिन उसकी हरकतों सकना देख के आदमी का अपना अमल का सत्यानाश हो जाता है। सही, सही। तो अब अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आजकल यानी हमारे इस ज़माने में जितना दीन सिखाया जाता है, मेरे ख्याल 14 सदियों में नहीं सिखाया जाता होगा। यानी हमारे इतने 15 चैनल जो है ना बैठे होते हैं, 15 चैनल्स मसाइल सिखा रहे होते हैं ना, दीन सिखा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर दीन ना उतरने की वजह क्या है? सही, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सिखाने वालों की अक्सरियत बेअमल है। सही, यानी एक गाने वाला, एक डांस करने वाला, एक नाचने वाला, वो हमें कुरान पाक की तफसीर समझा रहा है, वो हमें हदीस मुबारक समझा रहा है, वो हमें शरीफ मसाइल सिखा रहा है, वो हमें जनाब दीन की फ़िलासफ़ी बता रहा है, वो हमें दीन के ऊंचे ऊंचे मसाइल बयान कर रहा है। ईद का दिन आता है, वो भंगड़ा डाल रहा है, वो डांस कर रहा है, वो नाच गाना कर रहा है, वो जनाब वो औरतों को लेके बैठा हुआ है, वो जनाब बेहयाई का मखलूत प्रोग्राम करके बैठा हुआ, या इवन के ख़ुद रमज़ान मुबारक के अंदर जो दीन सिखाने वाले हैं वो बदनिगाही के जुमला मौाक़े फ़राहम करके दीन सिखा रहे होते हैं। सही। अब एक आदमी दीन सिखा रहा है, कुरान सिखा रहा है, अब कुरान सिखाते हुए जो कुरान वो सिखा रहा है एक मखलूत माहौल के अंदर, एक मर्दों के, औरतों के, लड़कों के, लड़कियों के, साज के, गाने के, बाजे के, बेहयाई के, जिस माहौल के अंदर एक आदमी दीन हमें सिखा रहा है, वो जो कुरान हमें सिखा रहा है वो कुरान ही कह रहा है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि मोमिन मर्द अपनी निगाहें नीची रखें। वो कुरान हमें कह रहा कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना, मोमिन औरतें अपनी निगाहें नीची रखें। वो सबको नचवा रहा है, वो सब से जनाब तालियां बजवा रहा है, वो सब के साथ जनाब डिस्को कर रहा है वहाँ पर, वो सबको जनाब आपस के अंदर मखलूत कर रहा है, वो सब से तालियां बजवा रहा है, वो सब से पूरी पूरी बेहयाई करवा रहा है और उसके साथ हमें दीन सिखा रहा है। तो जब इतनी बेअमली और इतनी बदअमली के साथ दीन सिखाया जाएगा, अच्छा फिर उसी रमज़ान के अंदर भी गाने चल रहे हैं और रमज़ान गुजरा तो अब यही साहिब जो है ना ये स्टेज के ऊपर खड़े हुए के डांस कर रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं, और उस दिन जो है ना ये सारे के सारे जो हुदूद व क़ुयूद तोड़ सकते हैं ये उस दिन तोड़ने के ऊपर लगे होते हैं। सही। तो जब सिखाने वाले बेअमल हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार अगर दीन इसी का नाम है ना तो फिर इस पर तो हम पहले ही अमल कर रहे हैं, हम में क्या बुराई है फिर। यानी अगर दीन जो है इसी गाने बाजे का, इसी जनाब ढोल ढमक्के का और इसी नाच डांस का और इसी हुल्लड़बाजी का और इसी जनाब तू तुकार का और इन्हीं तालियों का और इन्हीं इसी बेपर्दगी का और अगर इसी मर्द औरत के इख्तिलात का और अगर इसी जनाब जो है ना वो बाजारी जुमले बोलने का और अगर इसी मस्ती मजाक का और अगर इसी इस्तेहज़ा करने का और अगर इसी शोर शराबे का नाम दीन है तो हम तो बहुत मामल है। सही सही। तो चूंकि जैसा उल्टा दीन वो सीखते हैं तो वो चूंकि पहले ही उस पर अमल कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है इसके ऊपर तो हम पहले भी चल ही रहे थे ना, उसके अंदर कभी नमाज बयान की जाएगी, ना उसके अंदर कभी उनको जो है तिलावत का कहा जाएगा, ना उसके अंदर उनको कभी जो है वो क्या नाम है ज़िक्रुल्लाह का कहा जाएगा। तो फिर जब ऐसा अजीबो गरीब एक नया ही दीन सीखते हैं तो फिर उसी के ऊपर वो आगे जाके अमल कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मसला सीखने के अंदर ये भी देख लिया जाए कि जिस भाई साहब से मसला सीख रहे हैं वो ख़ुद भी बाअमल है या नहीं। ये तो नहीं है कि एक तरफ वो जनाब डांस के कंसर्ट कर रहा है और दूसरे दिन आके हमें वो बैठ के मसाइल जो है ना वो सिखा रहा है, फिर ऊपर से वो पूरा आलिम भी नहीं है, पूरे आलिम ना होने के साथ वो मसाइल बयान कर रहा है। तो ये जब सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं तो इस तरह के फिर 15 नहीं या 1500 चैनल भी दीन सिखाना शुरू कर दें उसका कोई असर नहीं होगा। बजा फरमाया आपने, अल्लाह ताला हमें तौफीक खैर अता फरमाए। जिस तरह हम अपनी दुनियावी चीज़ों के अंदर दुनियावी नुकसान से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और सही जगह से चीज़ लेने की सही करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया का नुकसान ना हो, इसी तरह दीन जो कि हमारी एक बुनियाद है, एक असल है और जो अहम तरीन है, उसको कहाँ से हासिल किया, कितना हासिल किया, कैसे हासिल किया और जो हासिल किया उसके मुताबिक हमने कितना अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर हमें गौर व ख़ौज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदनी चैनल के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सही दीन सीखने और उस पर अमल करने का ज़रूर जज्बा मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। खुली इस्लाम की आंखें, हुआ सारा जहां रोशन, खुली इस्लाम की आंखें, हुआ सारा जहां रोशन, अरब के चांद सदके क्या ही कहना तेरी तलअत का, अरब के चांद सदके क्या ही कहना तेरी तलअत का।